हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे। आज हम लोग बात करेंगे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम का एक सस्टेन हिस्सा रहता है, कंसिस्टेंट हिस्सा रहता है। अगर हम बात करें कि एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। लेकिन फिर भी इससे कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं, छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं, जिनको अगर हम प्रिपेयर करके चलें तो हो सकता है कि हम इस सेक्शन को भी हिट कर पाएँ, अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। मेरी एक सजेशन है कि आप कोई भी सेक्शन छोड़ करके मत जाइए। इनफैक्ट चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो एसए हो, प्रेसिस हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, या इस तरह की कोई भी दूसरी चीज़ हो, किसी को भी आप छोड़ करके मत जाइए। अपना अटेम्प्ट दीजिए, बेस्ट अटेम्प्ट दीजिए। और जहाँ तक बात इकोनॉमिक्स की है, तो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग का अप्रोच यही होना चाहिए। इसी लिहाज से मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, और जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस आने वाले लेक्चर की सीरीज। अब बात करते हैं कि हमारा जो टारगेट है, यानी कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में जो हमें पूछा जाने वाला है, वो क्या है और किस तरीके से हमें उसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले अगर मैं पिछले साल का पेपर देखूं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई हुई थी और कहां कहां से वो चीज़ें पूछी गई थी और क्या अप्रोच हमें उसको लेकर के होनी चाहिए, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो कि CAPF के 2020 में पूछा गया है, CAPF के 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको देखने से 13 लग रहा होगा। मैंने लेकिन इस क्वेश्चंस को बढ़ा करके रखा हुआ है। कैसे बढ़ा करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखो 2011 के सेंसस को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी, बहुत ही एकदम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने उसे ऐड कर दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको कहीं और भी कंसीडर किया जा सकता है, कहीं और भी जोड़ा जा सकता है। जैसे कई लोग इसको इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं जोड़ेंगे, ज्योग्राफी में जोड़ सकते हैं या किसी और जगह जोड़ सकते हैं, या पॉपुलेशन को एक सेपरेट चैप्टर की तरह से जोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है। पर मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिया है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछ सकते हैं अगर इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हुए कुछ पूछते हैं तो। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2020 में। तो पहला क्वेश्चन था ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के बारे में। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये मैक्रो इकॉनमी का टॉपिक होता है, MA मैक्रो इकॉनमी का टॉपिक होता है, ठीक है। मैक्रो इकॉनमी के टॉपिक में बजट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और पिछले अभी हम लोग आगे देखेंगे, हालांकि मैं इसे पहले ही देख चुका हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी रखता है, मतलब अल्टरनेट ईयर्स में दिख जा रहा है। अदरवाइज़ बजट ठीक है, आपको अगर जो इस साल का बजट मिल जाए कहीं से, तो उसे आप ले करके प्रिपेयर कर सकते हैं। कहां कहां से मिल सकता है भाई, एक तो सबसे अच्छा सोर्स होता है PIB का, यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का, जिसमें वो इन्फोग्राफिक्स देते हैं। उस इन्फोग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, जैसे कि नेशनल इनकम कितनी है, यानी GDP कितना है, GDP रियल GDP कितना है, मतलब इन्फ्लेशन को हटा करके कितना GDP है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी उसमें दी हुई हैं। फिस्कल डिफिसिट कितना होता है, बाकी इस तरह के बहुत सारे उसमें इंडिकेटर्स दिए होते हैं। तो हमें अभी उसकी डेफिनेशन रटनी नहीं है, तुरंत ये घबरा नहीं जाना है कि अरे ये तो फिस्कल डेफिसिट, ये इतना भूत जैसा टर्म क्या आ गया, क्योंकि मुझे पता है साइंस बैकग्राउंड के लोग ऐसा सोचेंगे। फिस्कल डेफिसिट या इस तरह के टर्म्स को लेकर के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें करना क्या है कि उसके इन्फोग्राफिक्स को एक अलग जगह लेकर के रख लीजिए, और धीमे धीमे छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लीजिए। जैसे GDP क्या होता है, हमने कहीं नेट पे उठा करके डेफिनेशन देख ली और उसको बस देख लिया कि क्या उसका वैल्यू है, एक एग्रीगेट वैल्यू कितनी है। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू, FD को लेकर के मुझे फिक्स डिपॉजिट याद आ रहा था, फिस्कल डेफिसिट को लेकर के क्या डेफिनेशन है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, कोई बात नहीं, जो भी समझ में आएगा देख लिया, और ये देख लिया कि उसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP, ये चीज़ भी देख ली। इस तरीके से जो उसके इन्फोग्राफिक्स हैं, आज पता नहीं कि मैं बहुत ही फंबल कर रहा हूँ, जो उसके इन्फोग्राफिक्स हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये चीज़ हमें देख लेनी है। एक ब्रॉड आइडिया हो जाना चाहिए, बजट से क्वेश्चन आ रहा है ये मैं कह सकता हूँ। फिर ये पूछा गया था कि MSME का नाम बताओ, यानी MSME का फुल फॉर्म बताओ, बहुत ही लल्लू टाइप क्वेश्चन। MSME का नाम पता होना चाहिए तुम्हें, यदि तुम्हें नहीं पता है तो यार मतलब चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब मारो। हाँ, मतलब तुम अगर जो न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ रहे हो, दूसरी चीज़ें भी नहीं कर रहे हो, और रेडियो टेलीविज़न कुछ नहीं जान रहे हो, एकदम से कहीं पत्थर में रह रहे हो, कहीं कुएं गुफा वगैरह में रह रहे हो, तो बात अलग है। वो सब मतलब ये अक्षम में है। MSME का पूरा नाम तुम्हें पता होना चाहिए। तो MSME का पूरा नाम पूछा गया था, भले ही वो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, लेकिन
बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है, ये पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। यही सारे जो लो फ्रूट्स हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये हमें कैच करना है। यही मैं इस लेक्चर में बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको आप प्रिपेयर करें तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है, इकोनॉमी का सेक्शन भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 2011 के सेंसस की। वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज या चार कैटेगरी पूछा गया था कि 2011 में वर्किंग पॉपुलेशन को किन फोर कैटेगरीज में बांटा गया था। 2011 का सेंसस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन 2021 में जनगणना होने वाली थी। यही वजह है कि पुरानी जनगणना अक्सर न्यूज़ में आ रही है और लोग उस पर एडिटोरियल लिख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि 10 साल पहले इतना था और अभी आंकड़ा इतना हो सकता है, बढ़ेगा घटेगा इतना तो पता ही रहता है, बढ़ेगा घटेगा, और उसको लेकर के क्या तैयारी हमारी होनी चाहिए, इस तरह की बातें लोग एडिटोरियल में लिख रहे हैं। यही वजह है कि 2011 के सेंसस को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अलावा भी पूछे गए, मतलब इस 2020 के अलावा भी कभी कहीं कहीं पूछे गए हैं। अब अगली बात करते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। कई लोगों को ये टर्म सुनकर के बहुत ही घबराहट होगी कि अरे ये इतने भारी भारी वर्ड कहाँ से प्रिपेयर करें। एक्चुअली में ये उस दिनों में यानी 2020 के एग्ज़ाम के दौरान करंट अफेयर्स में था, इकोनॉमिक्स के। अगर आप इसे रेडी कर रहे हैं यानी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत रेडी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आने वाले एक जो ये सब 2019 या 2018 और बाकी कहाँ गया 2019 से 2018 या दूसरी चीज़ों को लेकर के हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन आ जाता है और वो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है ये भी मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल ये देख लो कि इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, जो बेसिक सिंपल इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स हैं जो तुम प्रिपेयर कर सकते हो, प्लीज़ डू दैट। अब आगे बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन के बारे में, फूड इन्फ्लेशन कार्ड के बारे में कि कौन कौन सा आइटम था, कौन कौन सा आइटम नहीं था। देखो, तुम्हारी लंबाई आज सपोज़ करो क्लास सिक्स्थ में कुछ थी एक्स वाई जेड सेंटीमीटर और आज तुम्हारी लंबाई कुछ एक्स वाई जेड सेंटीमीटर है। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? कहीं पे हमें एक बेस बनाना होगा, यानी कि मान लो तुम यहाँ पे, तुम्हें दिखेगा नहीं, एक सेकंड यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारी लंबाई थी क्लास सिक्स्थ में, फिर तुम थोड़े लंबे हुए, ठीक है, चलो पैर ही लंबा कर दिया, तो यहाँ पे तुम बेस बनाओगे, ये बेस है तुम्हारा, ये ज़ीरो है, और यहाँ से तुम नापोगे इसको, ये कितना दे रहा है, और फिर यहाँ से तुम मेज़र करोगे इसको, ये कितना डिस्टेंस दे रहा है। इसी तरीके से इन्फ्लेशन को भी मेज़र किया जाता है। इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए भी कहीं हमें बेस रखना पड़ता है, ज़ीरो रखना पड़ता है। उस ज़ीरो से यानी उस साल के जो बास्केट है, अब ये कैसे करते हैं बता दे रहे हैं, एक बास्केट लिया, बास्केट में बहुत सारे खाने पीने की जो रोज़मर्रा के सामान होते हैं वो डाल दिया, इस बास्केट को कैलकुलेट किया कि इस बास्केट की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है किसी बेस ईयर में। बेस ईयर का मतलब 2001 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, जो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि CSI ने यानी कि जो एजेंसी है जो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती है उसने कैसा बेस ईयर चुना है। फिर उसके बाद आज की डेट में उसको कंपेयर कर लेते हैं, यानी आज भी वही बास्केट में वही सारी चीज़ें भरते हैं, सपोज़ करो ब्रेड भर रहे हैं, कुछ सर्फ भर रहे हैं, साबुन भर रहे हैं, कुछ और चीज़ें एक एक भरते जा रहे हैं रोज़मर्रा के सामान, तो उसको कंपेयर करेंगे इससे और ये देखेंगे कि कितना बढ़ा या घटा है। अगर बढ़ा हुआ है तो ये कहलाएगा इन्फ्लेशन, अगर घटा हुआ है तो ये कहलाएगा डिफ्लेशन। सिंपल एंड सुबह, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो कार्ट है यानी डब्बे हैं इसमें कौन कौन से आइटम थे, ठीक, पढ़ने वाली चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा लेकर के परेशान नहीं होना। अगर जो तुम पढ़ सकते हो इन्फ्लेशन तो किसी बुक से लेकर के पढ़ लो, इन केस अगर नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें स्किप करना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, क्रॉप ग्रीन रेवोल्यूशन की कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन तुम्हें इकोनॉमिक्स के 11th के NCERT में भी मिल जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन तुम्हें ज्योग्राफी के चैप्टर्स में भी मिल जाएगा, किसी स्टैंडर्ड बुक में भी। ग्रीन रेवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और इसमें समझने जैसा, इकोनॉमिक की थ्योरी जैसा कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम फुल टॉस है, तुम्हें 6 मारना ही होगा इस पे, ठीक है, तो ये चीज़ तुम प्रिपेयर करके चलना। अब बात करते हैं सोशलिज्म की। सोशलिज्म का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पूछा गया था, सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, या मिक्स्ड इकॉनमी हो, या इससे रिलेटेड कोई नियर बाई टर्म्स हो, जो भी इस तरह के टर्म्स हैं वो किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में दिए होते हैं। तुम चाहे रमेश सिंह उठाओ या कोई दूसरी बुक उठाओ, रमेश सिंह को डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाती है आसानी से, कहीं से भी उठाओ, ये तुम प्रिपेयर कर सकते हो। NCERT वगैरह में भी दिया हुआ है, कहीं घबराने की या भागने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकॉनमी, ये तुम्हें प्रिपेयर होना चाहिए, कर लेना। HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, या जो भी इसका नाम हो पूरा,
HDI के बारे में मैंने करंट अफेयर्स के अपने एक लेक्चर में बताया है जो कि लगभग एक महीने पहले लिया है। जो लेटेस्ट HDI की रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी बताया है कि उसमें क्या कुछ नया है, क्या कुछ नया पूछा जा सकता है, और साथ ही में ये भी बताया है कि HDI का बेसिक्स क्या है, यानी कि HDI किन पैरामीटर्स में कैलकुलेट किया जाता है और कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP जो रिलीज़ करता है रिपोर्ट, ये तुम्हें प्रिपेयर होनी चाहिए। ये तुम्हें इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा और इन जनरल स्टडीज़ में, करंट अफेयर्स में भी मिलेगा। तो ये तुम्हें प्रिपेयर करके चलना चाहिए, ये भी तुम्हारे लिए एक फुल टॉस है, 6 है भाई। ये कहाँ हो आज? हाँ, ये रहा। अब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU के बारे में बात की जा रही है। PSU के मिनी रत्ना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब तुम कहोगे कि ये CPSU के मिनी रत्ना, महारत्ना, इन सब को भी रटना पड़ेगा क्या? बात दरअसल ये है कि पिछले साल गवर्नमेंट जो है वो कई सारे PSUs को लेकर के उन्होंने मर्जर का, एक्विजिशन का और प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक ड्राइव चलाई, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट ड्राइव भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो ये जो ड्राइव इन लोगों ने चलाई PSU को लेकर के, मिनी रत्ना, मेजर, महारत्ना को लेकर के, ये उसी करंट अफेयर्स में फ्लोट कर रहा था। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिनी रत्ना क्या होता है, महारत्ना क्या होता है, भाई सीधी सी बात है, कोई एक कंपनी है। कंपनी दो तरह की हो सकती है, एक प्राइवेट हो सकती है, एक सरकारी हो सकती है। जो भी प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को तो छोड़ दो, प्राइवेट कंपनी का गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं एक्सेप्ट टैक्स। जो सरकारी कंपनी है, जिसको कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी कहते हैं, पब्लिक का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि सरकार, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का मतलब कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो जिस कंपनी को ले रखी है उसका रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू में सरकार के हिस्सेदारी के मुताबिक उसको उसका जो मुनाफा होता है वो मिलता है। उसी मुनाफे का जो परसेंटेज, यानी उसी मुनाफे का जो अमाउंट है, जो राशि है, उसी बेसिस पर किसी भी कंपनी को महारत्न या मिनी रत्न कहा जाता है। भारत में पहले 9 थे, फिर अब 12 हो गए हैं और भी बढ़े हैं। हालांकि अब डिसइन्वेस्टमेंट कर करके गवर्नमेंट अपनी जो पार्टनरशिप है या जो अपनी जो हिस्सेदारी है वो घटा रही है लगातार। फिर उसके बाद बात करें एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड की थ्योरी दी थी, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। एडम स्मिथ बेसिक इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो कहे जाते हैं, स्वीडन के थे जहाँ तक मुझे याद है। इनविजिबल हैंड की थ्योरी इन्होंने दी थी। अब एडम स्मिथ की थ्योरी किस तरीके से काम करती है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है। एक बड़ा पैराग्राफ तुम्हें या तो नेट से या तो किसी भी बुक से पढ़ना होता है कि एडम स्मिथ ने क्या क्या बातें बताई, पढ़ लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडम स्मिथ की थ्योरी। फिर उसके बाद बात करते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली, कंपटीशन, मोबाइल मार्केट। मोबाइल का मार्केट में मोनोपोली और कंपटीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। माइक्रो इकोनॉमी का ये चैप्टर है। मोनोपोली या कंपटीशन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर मार्केट में, मार्केट का मतलब वो कोई भी जगह जहाँ पे बायर और सेलर मीट कर रहे हैं, बायर हो और सेलर हो वो मीट करते हैं तो उसे मार्केट कहते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी हो सकती है, यानी कि जहाँ पे तुम जाते हो अमेजन के पास। अमेजन क्या आता है? अमेजन तुम्हारे बगल की दुकान थोड़ा ही है। अमेजन तुम जाते हो, इंटरनेट पे ओपन करते हो, अमेजन इंटरनेट पे चीज़ें अपलोड करता है, जो भी उसे बेचना होता है। और ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, ये जो मीटिंग करने की जगह है, ये जो एक्सचेंज जहाँ पे हैपन हो रहा है, ऑकर हो रहा है, इसको मार्केट कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, फिजिकल एंटिटी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एंटिटी हो सकती है, या कोई दूसरी एंटिटी हो सकती है। क्या कहलाता है? मार्केट कहलाता है। मार्केट में अलग अलग तरह के लोग या जो सामान सेलर हैं वो अलग अलग तरीके की सिचुएशन में, पोजीशन में होते हैं। उसकी बेसिस पर उनकी जो कंपटीशन होती है वो देखी जाती है। जैसे एक बहुत ही आसान और अच्छा एग्जांपल है कि अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हें कैसे दिखाई पड़ता है? भाई ट्रांसपोर्टेशन में अगर जो तुम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो तुम्हें सरकारी बसें भी दिख रही हैं, प्राइवेट बसें भी दिख रही हैं, तुम्हारी अपनी फोर व्हीलर हो सकती है या कोई दूसरी चीज़ हो सकती है जिससे तुम मूव करो। वहाँ पे तुम्हें कंपटीशन देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट एंटिटी भी हैं, पब्लिक एंटिटी भी हैं, यानी कि सरकारी बसें भी हैं। लेकिन थोड़ा रेलवे में आओ, रेलवे में क्या तुम्हें ऐसी कोई रेल दिखती है जो कि प्राइवेट है? कोई प्राइवेट रेल तुम देख पाते हो जिसमें कि तुम अपने मन मुताबिक, जहाँ पे कि जो प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस वगैरह जैसे, ये सब रेल चला रहे हो? तो यानी कि रेलवे एक तरीके का नेचुरल मोनोपोली है, जिसको कंपटीशन लेस सेक्टर कहते हैं। तो ऐसा मोनोपोली होना, तो ये चीज़ कहलाती है मोनोपोली। मोनोपोली कंपटीशन में किस तरीके से होती है, ओलिगोपोली क्या होती है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहो तो तुम इसे सर्च करके किसी अच्छी पीडीएफ या किसी अच्छे वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, वैसे मैं इसे कवर करूँगा। अब बात करते हैं एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पिछले 10 सालों से अगर मैं बात करूँ, 10-12 सालों से अगर कोई चीज़ इंडिया को बहुत ही ज़्यादा परेशान किए हुए है तो वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई बैंक है, ये बैंक है, बैंक में किस तरीके से, बैंक किस तरीके से बेसिकली फंक्शन करते हैं, बैंक फंक्शन करते हैं कि ये बैंक है और तुम यहाँ पे पैसे जमा करते हो अपने, यानी कि तुमने अपने जो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट तमाम जो खोल रखे हैं वो तुम ले जा करके बैंक में दे देते हो। बैंक इन पैसों में से कुछ पैसा निकाल करके क्या करता है, दूसरे लोगों को लोन में दे देता है, जिन लोगों को लोन की ज़रूरत होती है, जैसे विजय माल्या, जैसे नीरव मोदी, जैसे मेहुल चौकसी। मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि जिन लोगों को ज़रूरत होती है जेन्युइनली, तुम्हें कार की ज़रूरत हो, तुम्हें घर की ज़रूरत हो या एजुकेशन की ज़रूरत हो, तो इस तरह पे इन सारी चीज़ों पे बैंक लोन दिया करते हैं, उसके अगेंस्ट वो कुछ ब्याज लिया करते हैं, कोलेटरल रखा करते हैं, मॉर्गेज रखवाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर के अंदर में आती हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्याज देने से मना कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या भग जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में बैंक के पास जो ब्याज की किस्त है वो वापस आनी बंद हो जाती है। और जब कोई बैंक की वापस किस्त जो है वो वापस आनी बंद हो जाती है तो उसे घोषित कर देते हैं एनपीए। अब इसमें बहुत सारे रूल्स हैं कि भाई जैसे मान लो तुमने आज तुम्हारी किस्त की लास्ट डेट थी तो कल ही तुमको भगोड़ा घोषित कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो उसमें उनकी एक लीगल बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें नियम लिखे होते हैं कि 70 दिन पे इतना, 80 दिन पे इतना, अगर जो नहीं हुआ तो फिर एनपीए हो जाएगा, एनपीए हो गया तो फिर कितना, इस तरीके की चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। तो वो अपनी जो रूल बुक होती है, एसओपीज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे काम करते हैं। तो एनपीए क्या है? एनपीए एक्चुअली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो एसेट यानी वो मॉर्गेजेस जो कि यहाँ पे रखे गए थे पर वो अब काम करना बंद कर दिए हैं, वो ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, उसके बेसिस पर उन्हें बैंकों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो चीज़ कहलाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये ऐसा कब होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब होता है? जब लोग लोन देना बंद करते हैं और बैंक जो है इनकी एसेट यानी जो इनकी संपत्ति जो इन्होंने मॉर्गेज में रखी थी वो एक्वायर कर लेती है, लेकिन फिर भी उससे पैसे नहीं निकलते हैं। एक एग्जांपल और मैं तुम्हें दे दूं, कानपुर में ऐसी कई सारी फैक्ट्रियां हैं, जैसे पुराने ज़माने में लाल इमली और ऐसी दूसरी कई सारी फैक्ट्रियां चला करती थी जो कि अच्छा वीविंग किया करती थी, यानी वूलन का जो मटेरियल है, गुड्स है, उसको बनाया करती थी। सपोज़ करो कि इस तरह की कोई फैक्ट्री है, उसने लोन लिया और कोरोना में या किसी और वजह से उसका जो आउटपुट है वो पूरी तरीके से डैमेज कर गया, ख़त्म हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में लाल इमली या कोई पर्टिकुलर कंपनी, सुई की या जो स्टिचिंग की कंपनी है, वो क्या करती है, वो अपना लोन पे नहीं कर पाती है, दिन बीतते जाते हैं, रूल बुक में वो एनपीए घोषित हो जाता है। तो ऐसा कैसे घोषित हो जाएगा एनपीए? एनपीए ऐसे घोषित हो जाएगा कि सपोज़ करो कि वो, चूँकि वो निडिल वाली कंपनी है, वो ऐसा कारोबार करती है कि उसमें निडिल लगेगा, वो यार्निंग करेगी निडिल का या लोहे का पुर्जा लगेगा, और जो 70 या 90 दिन तक बैंक ने उस फैक्ट्री को सीज करके रखा उस दौरान बारिश हुई और लोहे में जंग लग गई, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में अब अगर वो बैंक चाहे भी कि हम उसकी फैक्ट्री को बेच करके कुछ पैसे एक्वायर कर सकें, एक्विजिशन कर सकें, तो भी उसके पैसे पूरे रिटर्न नहीं आएंगे और कुछ ना कुछ बैंक को घाटा होने ही वाला है। ये सिचुएशन कहलाती है एनपीए की सिचुएशन, ठीक है। इसमें कंट्रीब्यूशन, ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था एनपीए से, पूछा था कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां से सबसे ज़्यादा एनपीए आता है, तो तुम्हें एनपीए के बारे में पढ़ना पड़ेगा सबसे पहली बात। दूसरी बात कि कौन सा सेक्टर से आता है, तो अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें थोड़ा सा टफ लगेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा कोर इकोनॉमिक्स मान लेते हैं इसको, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो। अब बात करते हैं पहल स्कीम की, पहल स्कीम के बेनिफिशरीज़ के बारे में शायद पूछा गया था जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी चीज़ है जो कि अक्सर उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट स्कीम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि किसको टारगेट किया जा रहा है। भाई देखो, अगर तुम डाइपर की फैक्ट्री के ओनर हो, सपोज़ करो कि तुम डाइपर बना रहे हो, तो तुम किसी एडल्ट पर्सन को डाइपर नहीं बेच पाओगे, किसी 18 साल से 35 साल के बंदे को या 18 साल से लेकर के 50 साल के बंदे को डाइपर नहीं बेच पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नीड नहीं है, उसकी नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई डाइपर बच्चे के लिए होता है, बच्चे को, जिसके पास बच्चे होंगे वही खरीदेगा। अगर कोई 18 साल से 50 साल के बीच में जिसके बच्चे नहीं हैं वो उसको नहीं खरीदेगा, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन नहीं खरीदेगा।
ये एक रफ एग्जांपल था, मैं समझाना ये चाह रहा था कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई एक टारगेट ऑडियंस होती है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये इतनी सारी चीज़ें, कई लोगों के लिए ये यूजलेस है, क्यों? क्योंकि वो FCAT या CDS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें इकोनॉमिक्स नहीं आता है। लेकिन अगर तुम CAPF की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स आ रहा है और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये तुम्हारे काम की चीज़ है लेकिन उनके काम की चीज़ नहीं हो सकती है, SSC के काम की चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स किसी के काम की होती हैं, यानी सपोज़ करो कि वो स्कीम चलाई गई है उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना में स्कीम किसको टारगेट करती है? उस महिला को जिसके पास चूल्हा है और गैस नहीं है, तो उसको गैस दिया जाएगा, चूल्हा दिया जाएगा और उसको ये कोशिश की जाएगी कि वो उसे अडॉप्ट कर ले, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम किसको टारगेट कर रही है, उसके जो टारगेट लोग हैं वो कौन है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तुम्हें आइडिया होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा भाई? थोड़ी बहुत तो तुम्हें खुद से स्टडी करनी पड़ सकती है, इन केस मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन अगर तुम खुद से भी कर सको तो ये कर सकते हो, टारगेट ऑडियंस कौन सी है गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर के, और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो छोटी मोटी नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, तो जो नॉर्मल जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना चाहिए हमें। इकोनॉमी की प्रिपरेशन ऐसे हो सकती है। तो तुम देख रहे हो कि इकोनॉमी की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड कोर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कुछ एक हैं लेकिन उसको देख करके हम अगर सिर्फ बाकी सारी प्रिपरेशन को बंद कर दें तो ये गलत बात है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की, ये माइक्रो इकोनॉमिक मार्जिनल रिटर्न क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब होता है कि ऐसा लॉ जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो इनपुट है किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री या किसी पर्टिकुलर यूनिट में, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही बढ़ता है, यानी आउटपुट देता है। सपोज़ करो कि ये इनपुट है तुम्हारा, ये नहीं, आउटपुट ले लेते हैं, ये इनपुट है, तो अगर इनपुट तुम बढ़ाओगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा, अगर इनपुट तुम बढ़ाओगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर इनपुट एक पॉइंट के बाहर बढ़ाओगे तो फिर वो हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो बढ़ते जाएगा, यानी कि एक पॉइंट के बाद वो कहेगा कि नहीं बस हो गया, अभी हमें मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता हूं। तो एक स्वीट स्पॉट होता है जहां पे इनपुट अपने ऑप्टिमम लेवल पे होता है, आउटपुट भी अपने ऑप्टिमम लेवल पे होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसी बात को क्वालिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या होता है, कंपटीशन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होते हैं, सब माइक्रो इकोनॉमी का टॉपिक है। जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ें सभी माइक्रो इकोनॉमी का टॉपिक हैं। क्रेडिट कार्ड लोन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया था, क्या क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन और लोन ये दोनों का परसेंटेज दिया हुआ था, वो ये बताना था कि आखिर इसका जो एक्चुअल जो इन्फ्लेशन है या जो रेट है जिस रेट से लोन दिया जा रहा है, मेरे हाथ में जाने क्या हो गया है, ताना सा निकल गया है, anyway, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्फ्लेशन और क्रेडिट कार्ड को लेकर के, कि क्रेडिट कार्ड का जो एक्चुअल परसेंटेज ऑफ जो लोन है वो कितना है। फिर यहाँ पे देखो क्लोज्ड इकॉनमी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में बात की गई है। क्लोज्ड इकॉनमी क्या होती है भाई, क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब हुआ ऐसी इकॉनमी जो कि बाहर से इनपुट न लेती है न अपना जो आउटपुट है वो बाहर देती है। तो क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब कि जो खुद प्रोड्यूस कर रही है वही खुद कंज्यूम कर रही है, ऐसी एक बाउंड्री एक हाइपोथेटिकल इकॉनमी होती है जिसे क्लोज्ड इकॉनमी कहते हैं। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये हुआ कि बताते हैं, मान लो ये ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, ग्राफ है, तुम्हारी कुछ इनकम है सपोज़ करो और तुम्हारा कुछ कंजम्पशन है, तो तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम्हारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर रेशियो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो स्लोप है कि इतनी इनकम पे इतना खर्च होता है, या ये जो रेशियो है, ये रेशियो अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो जाहिर सी बात है तुम्हें पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो एक कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है। तो अगर ये फ्लैट है, ये मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये फिक्स्ड होता है, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक लिमिट तक ही स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बाद वो वेरी करता है। ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट हैं, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व वर्सेज इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व क्या होता है, और इनकम और कीन्सियन थ्योरी, ये जी लिखा हुआ है यहाँ पे, जी लग रहा है मतलब ये वाई है। कीन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे,
और वो सिविल सर्विसेज का जब एग्ज़ाम दिए थे तो फेल कर गए थे। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब बाद में पूछा गया कि आप इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और आप तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम फेल कर गए थे। तो वो कहे कि जिसने मेरी कॉपी जांची उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि मेरी इकोनॉमी की जो नॉलेज है उसको चेक कर पाए। तो किंग्स बोल सकते हैं ऐसा। एनीवे, तो एग्रीगेट कंजम्पशन क्या होता है? एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व वर्सेस इनकम, इसी तरह का एक कर्व होता है जिसमें कंजम्पशन और इनकम को कंपेयर करते हैं। उसकी बेसिस पर कीन्सियन इकोनॉमी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, अगर मैं पता नहीं, मैंने जहाँ डायग्राम बना दिया है वो पता नहीं मैं ढका हुआ हूँ या नहीं ढका हुआ, एनीवे अब तो हो गया। प्राइस सीलिंग की बात करें तो प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्राइस जिसको गवर्नमेंट फिक्स करे किसी पर्टिकुलर फील्ड या प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और इसके पीछे वजह क्या हो, क्योंकि इसका दाम मन चाहे तरीके से लोग बढ़ा रहे हों। कुछ हद तक प्राइस सीलिंग तो काम करती है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये सप्लाई साइड को बहुत ज़्यादा डिटोरिएट करने लगती है, नुकसान पहुँचाने लगती है। एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? एक एग्ज़ाम्पल अच्छा है हो सकता है कि हाउस रेंट, या फिर जो शेविंग, जैसे जो तुम सैलून वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एसी वाले या नॉन एसी वाले कैटेगरी का जो सैलून होता है उसमें एक प्राइस होती है शेविंग करने की या बाल कटाने की। तो वो अगर जो प्राइस फिक्स कर दी जाए और फिक्स ही रहने दी जाए तो उसमें जो सप्लाई साइड है उसको नुकसान होगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सप्लाई साइड उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए प्राइस बढ़ाना एक कंपल्शन हो जाएगा। तो प्राइस सीलिंग क्या होती है? गवर्नमेंट लगाती है किसी पर्टिकुलर फील्ड पे लगाती है, और क्या होता है, और ये प्राइस सीलिंग के ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है कि कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है, किस किस फ्रंट पे हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में जब भी कभी कंजम्पशन और जो इसका इनकम होता है उसके कर्व को प्लॉट करें तो सेविंग्स, यानी कि हमारी जो सेविंग है, सेविंग को लेकर के एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। पैराडॉक्स किस तरीके से क्रिएट होता है, जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक समझते होंगे वो मेरी बात को समझ जाएंगे। कोई इंडिविजुअल है वो कुछ कमाता है, उसको सेव करता है, सेव करने के बाद उस जो सेविंग है उसकी, उस सेविंग को वो बैंक में सेव करता है। उस सेविंग के बैंक में होने की वजह से ज़्यादा ज़्यादा जैसे जैसे सेविंग होती जाती है, यानी कि लोग जितना ज़्यादा सेविंग ज़्यादा करते जाते हैं बजाय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के या लोन देने के या किसी और काम के, तो जो इकोनॉमी का जो चलने की जो प्रोसेस है वो धीमी पड़ जाती है, सप्लाई साइड में स्ट्रेन होने लगता है, और उस सप्लाई साइड में स्ट्रेन होने की वजह से डिमांड या इन्फ्लेशन बढ़ता है, और उस इन्फ्लेशन की वजह से जो आपकी सेविंग है वो डिटोरिएट होने लगती है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सेविंग जब ज़्यादा बढ़ने लगती है, इकॉनमी में पैसे कम होने लगते हैं, तो फैक्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर पाती। भाई फैक्ट्री को अगर प्रोड्यूस करना है तो कहीं से वो इनपुट लेकर के आएगी ना। इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा हमारा पैसा। वो इनपुट का पैसा वो लेबर को देगी, रेंट को देगी, कच्चे मटेरियल को देगी, उससे प्रोडक्शन करेगी। अगर सारी चीज़ें सेविंग में चली जाएंगी तो कहाँ से करेगी? ऐसे में सप्लाई तो हो नहीं पाएगी सामान की, और उसका दाम बढ़ता जाएगा, नतीजा होगा कि सेविंग घटने लगेगी इन्फ्लेशन की वजह से। इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब आगे बात करते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर की। थोड़ा सा एक मिनट में रुक करके और कुछ चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ। ज़रा एक बात देखो, मैंने 2020 के पेपर को डिस्कस किया, अगर मान लो कि कोर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस 10 थे, 10 भी नहीं थे, मुझे लगता है 8 या 7 ही थे, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे HDI हुआ, सेंसस हुआ, करंट अफेयर्स के एक टॉपिक हुए, मोनोपॉली, हाँ मोनोपॉली को दे देते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हुई, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम बहुत ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि अगर जो मैं बढ़ बढ़ करके भी मानता हूँ कि 13 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन तुम हिट कर सकते हो करंट अफेयर्स और सामान्य जो जानकारी है उसकी बेसिस पर। और मैं ये तुमसे रिकमेंड करता हूँ कि तुम अगर कोई भी ऐसा पार्ट तुम्हें लगता है जो कि तुम 2020 या 19 के पेपर में से पढ़ सकते हो, प्लीज़ डू सो, प्लीज़ उसको खुद से पढ़ो, बिल्कुल भी ये इंतज़ार मत करो। मैं बहुत ही स्ट्रांग बिलीव करता हूँ इस मामले में कि आपका सिलेक्शन ही अटमोस्ट प्रायोरिटी है, और यही वजह है कि मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर बना रहा हूँ ये डिस्पाइट द फैक्ट कि एग्ज़ाम 8 तारीख को होना है। और हो सकता है कि कुछ लेक्चर्स छूट जाएं क्योंकि आप टॉपिक देख रहे हैं कितने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हैं, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ किस लिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिक्स में आप अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो इकोनॉमिक्स से इतने भारी भरकम टॉपिक देख रहे हो ना, जो कोर इकोनॉमी है,
ये तुम्हारे कंपटीटर्स भी प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं करके जाते हैं। और इसमें से भी जो लोअर हैंगिंग फ्रूट है वही मैं प्रिपेयर करने को मैं तुमसे कहूँगा। यही वजह है कि मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। 2019 के पेपर में भी एक दो पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, टोटल 9 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो 2 क्वेश्चन ऐसे तुम्हें बड़े आसानी से मिल जाएंगे जो कि तुम खुद से पढ़ाई करके कर सकते हो। अगर एकदम से हैवानियत पे उतारू नहीं हो गई UPSC तो तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तीन चार तक मिल जाएंगे आराम से, जिनको तुम खुद से पढ़ करके भी कर सकते हो। मैं धीमे धीमे इस कोर्स को रन करने की कोशिश करूँगा, जितना भी हो पाएगा हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं 2018 के पेपर की, देखते हैं क्या पूछा गया था। ई कॉमर्स कंपनी का एक्विजिशन हुआ था, वो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, ये दोनों का, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का एक्विजिशन। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का एक्विजिशन कर लिया था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने क्या बताया था तुम्हें कि इकोनॉमी को लेकर के जो सामान्य न्यूज़ है वो तुम प्रिपेयर करते रहना, जो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल गई। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की और पर्सनल इनकम की। मैं ये बात करूँगा, ये है नेशनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम, ये शायद डिस्पोजेबल इनकम, इसमें पूछा गया था कि डिस्पोजेबल इनकम कितनी होती है। हाँ शायद एग्जैक्टली क्वेश्चन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर नेशनल इनकम का मतलब होता है GDP, और पर्सनल इनकम जो है, पर्सनल इनकम तो पर्सनल इनकम होती है, उसके बारे में ये बात पूछी गई थी। अब बात करते हैं ब्रॉड मनी और नैरो मनी की। ब्रॉड मनी, नैरो मनी, M0, M1, इस तरह की चीज़ों से दिखाया जाता है। ये बैंकिंग का पार्ट है, ये इस बेसिस पर डिसाइड किया होता क्या है, RBI जितनी मार्केट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो कैश में हो, सेविंग अकाउंट में हो, फिक्स डिपॉजिट में हो या कहीं और हो, उसको वो कैलकुलेट करना चाहता है। वो चाहता है कि हम मार्केट में पड़े हुए पैसे को एक मोर और लेस उसको एक आइडिया हमें होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है उसको, जब भी कभी उसे महंगाई या मंदी में से बैलेंस बनाना होता है तो वो इसी सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ब्रॉड मनी नैरो मनी के ऊपर वो काम करते हैं। तो ये RBI का और जो मार्केट है उसका टर्म हो गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट की या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन सब चीज़ों के बारे में। मल्टीप्लायर इफेक्ट वही जो पूछा गया था, माइक्रो इकोनॉमी का टॉपिक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो मैंने ग्राफ बनाया था कि इनकम इतनी होती है, कंजम्पशन इतना होता है, उसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी पूछी अब गई होंगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसी चैप्टर से पूछा गया था। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन डिफरेंट कंट्रीज़, हाँ ये क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूँ। ये पूछा गया था कि इंडिया, चाइना और तमाम ऑस्ट्रेलिया और तमाम दूसरे देशों का नाम दिया हुआ था, और ये पूछा गया था कि किस देश में, किस देश की टोटल GDP में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इंडिया में तुम्हें पता है कि लगभग 54% तक का शेयर जो है GDP का वो सर्विस सेक्टर की तरफ से आता है, तो उसकी बेसिस पर, और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग से आता है, चाइना का भी नाम दिया हुआ था। तो दो चीज़ें तो तुम्हारी क्लियर हो गई थी, अब बाकी चीज़ें तुम्हें थोड़ा बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना था, सॉर्ट आउट करना था। ये ऐसा क्वेश्चन था जो कि कोई भी पढ़ करके नहीं जाता, जनरल नॉलेज की बेसिस पर, जिसको जितनी जनरल नॉलेज होती उसी बेसिस पर वो तैयार करता है इसे। फिर डेट वेवर SRT का, डेट वेवर की एक SRT पूछी गई थी। SRT का मतलब ये हुआ कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मैंने SRT नाम लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली में SRT नहीं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर प्राइवेट कंजम्पशन इतना हो, पब्लिक सेक्टर में कंजम्पशन इतना हो, NPA वगैरह इतना हो तो क्या होगा, उस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ऐसा कुछ बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन नहीं था। मैं फिर भी ये मान के चल रहा हूँ कि बिना पढ़ाई ये तुम नहीं कर पाओगे। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चंस तुम कर सकते हैं, ये है डिफरेंट इकोनॉमीज़ वाला, तुम हिट कर सकते थे। अच्छा, ब्रॉड मनी नैरो मनी थोड़ा सा आइडिया होता तो ब्रॉड मनी नैरो मनी कर लेते। हाँ, ये करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ थी वो तुम कर सकते थे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर बहुत ही ख़राब से ख़राब कंडीशन में दो क्वेश्चन तुम कर सकते थे, ये वाला और ये वाला, और अच्छी कंडीशन होती तो तुम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते, बाकी के लिए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उसे ऐसा मेंशन तो कर दिया है पर लिखा नहीं है, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा कोर एग्रीकल्चर का था। अब एग्रीकल्चर की बात की गई है तो एग्रीकल्चर भी तुम्हें तैयार करना चाहिए, अगर तुम तैयार कर सको तो। ये ज्योग्राफी में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है। अब मुझे डांटना मत कि अरे सर आप तो एग्रीकल्चर का भी बता रहे हैं, एग्रीकल्चर तो पढ़ाए नहीं, और ये हम लोगों ने कोर्स थोड़ा सा लेट ऑनेस्टली शुरू किया था। ये साल भर का पूरा कैरिकुलम होता है, तो इस बार के लिए माफ़ी, अगली बार के लिए हम लोग ज़रूर से अच्छा प्रयास करेंगे और भी ज़्यादा कंटेंट को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन 2018 में भी तुम्हें मिल जा रहे हैं। अब 2017 की बात करें तो केवल 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछा गया था, जिसमें एक 2011 का सेंसस था, छोड़ दो। न्यू रिफॉर्म इन बजट 2017-18, मैंने बताया था तुम्हें कि 2000 बजट से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बजट तुम चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में, कि कौन सा XYZ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करता है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन, तुम्हें पता होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। फिर एक कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि करंट अफेयर से था, टीपीपी से बाहर हो गया था कौन, अमेरिका। तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विड्रॉल न्यूज़ जो थी वो अमेरिका बाहर हो गया था, तो टीपीपी से बाहर क्यों हो गया, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप ऐसा करके था, टीपीपी ही था उसका नाम, कुछ फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के, तो इस तरह का जो करंट अफेयर्स था जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो और करंट अफेयर्स में भी हो, वो चीज़ तुमको अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। मैं भी अपने जो करंट अफेयर्स की जो यूट्यूब पे सीरीज चला रहा हूँ उसमें भी मैं लगातार डिस्कस करता रहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे। तो इतनी बात हुई इकोनॉमिक्स को लेकर के CAPF के लिए, कुछ चीज़ें जो तुम खुद से प्रिपेयर कर सकते हो मैं कहूँगा कि हाँ तुम्हें करनी चाहिए। और कभी भी पूरे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को ऐसे मत देखना कि यार ये तो ब्रिक है और इसमें हमको जाना ही नहीं है। अगर जो बहुत ही शांत दिमाग से तसल्ली से देखोगे तो तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी जो जिन्हें तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ अपने कॉमन सेंस के बेसिस पर, करंट अफेयर्स की नॉलेज के बेसिस पर, या थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी। तो यही मैं बात करना चाह रहा था, आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम लोग इकोनॉमिक्स के लेक्चर को धीमे धीमे रोल आउट करेंगे, जितना भी हो पाएगा हम लोग कवर करेंगे। और हमारा, मैं पर्टिकुलरली बता दूं कि मेरा टारगेट ये होगा कि इकोनॉमिक्स के हर लेक्चर में मैं कम से कम कोशिश ये करूं कि एक क्वेश्चन तो मैं हिट कर दूं, यानी एक लेक्चर एक क्वेश्चन, एक लेक्चर एक क्वेश्चन, ऐसा हिट कर दूं। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनको, उन्हीं चैप्टर्स को मैं डिस्कस करूंगा, और समझने की जिम्मेदारी, समझाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया आज मैंने तुम्हारा। एनीवे, बाय।